Kundwani's English Express. My dear students, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में लड़ाई कैसे करनी है. How to make quarrel in English. So what are we waiting for? Let's get started. Why are you losing your temper? आप गुस्से में बेकाबू क्यों हो रहे हैं? Beware, don't utter it again. इसका मतलब होता है खबरदार, अगर ये शब्द दोबारा अपनी जबान से निकाला तो. You are short-tempered, मतलब तुम बहुत चिड़चिड़े हो, तुम बहुत गुस्सैल हो. He has got on my nerves, उसने मेरे नाक में दम करके रख दिया है. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, You have got on my nerves, तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है. कम वॉक में, मतलब अब चाहे जो हो. What harm have I done to you? मतलब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है. Why do you quarrel with him unnecessarily? आप उनसे बेवजह ही झगड़ा क्यों करते हो. आप इस की जगह ऐसे भी बोल सकते हो, Why do you quarrel with me unnecessarily? आप मुझसे बेवजह झगड़ा क्यों करते हो? Now settle the matter somehow. अब किसी भी तरह से ये झगड़ा निपटा लो. Are you in senses? आप होश में तो हैं? Get out of my sight. मतलब मेरी आंखों से दूर चले जाओ. या फिर आप कह सकते हैं Get lost, यहां से निकल जाओ. How are you concerned with our affairs? आपको हमारे मामले में कैसे पता चला? आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? या फिर आप जब कहते हो ना कि आपको हमारे मैटर से क्या लेना देना है, तो उस समय भी आप ये यूज कर सकते हैं. How are you concerned with our affairs? Now put an end to the controversy or don't stretch the matter. देखिए, जब भी आपको ऐसा कहना है कि अब बातों को और ज्यादा मत बढ़ाओ और यहीं पे स्टॉप करो, तो उस समय आप कह सकते हैं don't stretch the matter further, या फिर now put an end to the controversy. Go to hell, मतलब खड्डे में जाओ. The quarrel is settled and matter ends here. इसका मतलब होता है, चलिए अब यहीं पे झगड़ा खत्म होता है और ये मैटर यहीं पे खत्म करते हैं. Shame on you, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर. और you should be ashamed of yourself, चुल्लू भर पानी में डूब मरो. You think yourself to be very smart, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हो. You are extremely cunning fellow. तुम बहुत चालू हो. You are mean fellow. तुम बहुत मतलबी हो. Stop yapping. बकवास बंद करो. बकबक बंद करो. Don't talk nonsense. It's all because of you. बकवास बंद करो. ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है. It's all your doings. ये सब तुम्हारी ही करतूते हैं. Can't away like this. आप ऐसे बच के नहीं जा सकते. या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हो, You can't escape like this. You don't deserve forgiveness. तुम माफी के लायक नहीं हो. या फिर आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, You can never be forgiven. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी. You are responsible for this. इन सभी चीजों के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो.